Hey guys, this is your host and welcome you all to my YouTube channel. Uh, कल वी कि माइनेंस के ऊपर सू किया गया है सी द्वारा सी एक यू की गवर्नमेंट बॉडी है जो कमोडिटीज और derivative मार्केट को रेगुलेट करती है तो डेरिवेटिव्स का जो प्रोडक्ट्स वगैरह है जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उन मार्केट को रेगुलेट करने का काम सी एफ टी सी करती है और एस सी सी और सी एफ टी सी में अगर मेन डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो एस सी सी जो होती है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करती है सो एस सी सी अलग केस लगा रही है कॉइनवेस्ट के ऊपर पीछे लगी हुई है और यहाँ पर बाइनेंस के पीछे सी एफ टी सी लग गई है सी एफ टी सी ने एक लो सूट बनाया है बाइनेंस के ऊपर और शो किया है सो so, वो लो सूट क्या है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसका रेस्पॉन्स क्या दिया है सीजे ने उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे स्लो सूट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में क्या इसका वर्डिक्ट हो सकता है क्या इसका रिजल्ट आ सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे तो मेक यू यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑल सो मेक श्यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो यू डॉट मिस एनी फ्यूचर अपडेट सबसे पहले बात करते हैं सी एफ टी सी के स्लो सूट की जो बाइलेंस के अगेंस्ट उन्होंने बनाया है कल रिलीज़ किया है उस पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने जो भी मेजर टोकन्स है बिटकॉइन इथेरियम लाइट कॉइन इवन स्टेबल कॉइन्स की अगर बात करते हैं टैथरबी यू एस सबको एज ए कॉमोडिटी रेफर किया है और वो काफ़ी डिफर करता है एस सी सी के स्टेटमेंट से एस सी हमेशा ये बोलती आई है कि बिटकॉइन के अलावा जो भी टोकन्स है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं राइट इवन इन्होंने जो भी रिसेंटली कंप्लेन की होगी रिसेंटली जो भी आ, सू किए होंगे उसमें उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि बिटकॉइन के अलावा बाकी जो टोकन्स टोकन है मेजर टोकन्स है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर हम मानते हैं बट यहाँ पे सी सी का स्टांस थोड़ा अलग है और सी एफ टी सी एक इम्पोर्टेंट बॉडी क्रिप्टो के लिए इसलिए है क्योंकि जो यू एस का क्रिप्टो रेगुलेशन बिल का जो ड्राफ्ट था उसके अंदर सी एफ टी सी को क्रिप्टो की जो एक्टिविटी है उसका वॉचडॉक बनाने की बात की गई थी कि यू एस पे आगे अगर रेगुलेशन बिल पास होता है तो उसमें पर सी एफ टी सी को ऐसे आगे खड़ा किया गया था कि ये जो है वो वॉच वॉचडॉक होगा क्रिप्टो की एक्टिविटी को वॉच करने वाला सबसे बड़ा जो बॉडी होगा वो सी एफ टी सी होगा इसलिए जो सी एफ टी सी का स्टेटमेंट है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मान रहा हूँ कॉमोडिटी वाला बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ और है कि या तो यू एस गवर्नमेंट ख़ुद कन्फ्यूज़ है कि उनको नहीं पता चल रहा कि कॉमोडिटी के अंदर लेना चाहिए या सिक्योरिटी के अंदर लेना चाहिए या फिर वो कन्फ्यूज नहीं हो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे यार ये तो कॉमोनिटी भी हो सकती है सिक्योरिटीज भी हो सकती है आप अपने हिसाब से सोचो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है क्या इसका यू uh, नो you know, आगे जाके किस टाइप से ही करेंगे यू नेवर नो एट दिस मोमेंट बट अभी क्लियरिटी नहीं है और ये क्लियरटी ज़्यादा तब आएगी जब ये एक्स का जो केस चल रहा है एस सी अगेंस्ट तो उस उसमें भी सिक्योरिटी का केस लगा हुआ है उसका भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रूमर चल रहा है कि उसका वर्डिक्ट जो है वो 31 मार्च से पहले आ सकता है और वहाँ पे रिपल के जीतने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है अभी यहाँ पे अगर रिपल जीतता है तो वो तो अर्ल्ड कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छा है जो भी यू एस से ऑपरेट कर रहे हैं टोकन्स उनके लिए काफ़ी अच्छा है एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी और सिक्योरिटीज़ वाला जो डिबेट है वो क्लि क्लियर हो जाएगा उसमें सिक्योरिटीज़ साइड पर इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं मेरे हिसाब से उस टाइम पर क्योंकि केस ही वही है उससे ये एक यू नो बैकग्राउंड मिल जाएगा कि रिपल को सिक्योरिटी वाले केस पे रिपल को अगर जीत मिलती है तो आगे जाके और जो कॉइंस हैं उनको अगर केस होता भी है तो उनके लिए इजी यू नो एक हिस्ट्री मिल जाएगी इस टाइप का केस अगर रिपल जीतता है तो तो यहाँ पे फायदा काफ़ी हो सकता है अगर रिपल जीतता अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री की विन हो सकती है तो, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर इन्होंने ये बोली कि कॉम्योनिटी है और ऐसे क्या बोलता है सिक्योरिटीज है सेकेंड जो है उन्होंने इंटरनली डॉक्यूमेंट एक्सेस किए उनका एम्प्लॉय था लीम करके उसकी काफ़ी चैट लीक हुई है उस चैट के बेस पे ही उन्होंने पूरा एक अपना एक लॉ सूट तैयार किया है लाइक like, चैटिंग के रिकॉर्ड थे चैटिंग के लॉग थे उसके बेस पे उन्होंने पूरा लॉ सूट प्रिपेयर किया है तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि आ, कुछ ऐसे एक्टिविटी वहाँ पर हुई थी जो टेररिस्ट ने की थी बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर और वो ये लोग अवेयर थे बट उन लोगों ने उसको नेग्लेक्ट किया कि यार कोई बात नहीं छोटा मोटा तो होता रहता है तो ये चीज़ भी उन्होंने मैंशन की है इसके अलावा ये उन्होंने मैंशन किया है कि सी जो है वो सारी इंटरप्राइज़ को ऑन करता है लाइक like बाइलेंस की कई सारी एंटिटी है बाइलेंस यूएस तो है ये बाइलेंस है इसके अलावा और भी कंट्री में एंटिटी है सबको ऑन सी करता है और सी जो है वो पर्सनली लुकआउट करता है इवन उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया काफ़ी फ़नी एग्जांपल दिया है कि किसी को सिक्सटी डॉलर का फर्नीचर लेना था तो उस पर सी ने अप्रूव किया था कि सिक्सटी डॉलर का फर्नीचर आप बाई करो या नहीं करो तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस केस को बनाती है इस केस का बनाने का जो मेन फाउंडेशन ये है कि वहाँ पे बाइनेंस के अंदर ऐसा है कि यू के कस्टमर अलाउ नहीं थे बाइनेंस डॉट कॉम पर के कस्टमर को एक्सेस नहीं था राइट और बायनेंस ने ऑफिशियली बोला था कि नो वन कैन एक्सेस बाइनेंस डॉट कॉम फ्रॉम यू लाइक हमने कंट्री ब्लॉक किया हुआ है आई ब्लॉक किया हुआ है उसके बावजूद यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं और जो चैट लॉक्स के हिसाब से बता रहे हैं कि बाइनेंस ने अल्टीमेटली यूएस के कस्टमर को वीआईपी प्रोग्राम के अंदर डाला था और जो यूएस के कस्टमर थे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते थे उनको बोला था वीपीएन यूज़ करो और वीपीएन यूज़ करके आप हमारा प्लेटफॉर्म एक्सेस करो तो ये जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गलत प्रैक्टिस थी और इस ये एक बेस बना रही है इस पूरे केस का मेरे हिसाब से और इसके अलावा जो टेररिस्ट वाला फंडिंग वाला सीन जो हुआ था वो तो है ही है इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल कहीं ना कहीं एक, एक्सप्लोर किया गया है इसके अलावा सी एफ का कहना है कि जो यू की रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं किया सी सी के अंदर उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर नहीं किया ये सब चीज़ें भी वहाँ पर कहीं ना कहीं सामने आई है इसके अलावा अगर फाइन्स की बात करते हैं चलो ये केस तो पूरा बन गया लॉ सूट बन गया अभी ये केस का आगे क्या होगा तो जनरली क्या होता है कि जैसे सी एफ ने केस बनाया है इसके बाद जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास जाएगा डी उसको केस चलाएगा तो डी वो पूरा आगे जाके एक हियरिंग वगैरह होगी कोर्ट वोट चलेगा और उसके बाद में जब फाइनल उसका वर्डिक्ट आता है तो जनरली फ़ाइन वाला सीन यहाँ पे बनेगा तो फाइन वाले सीन की बात करते हैं तो फाइन ये जो लोग मांग रहे हैं फ़ाइन जो ये जो बोल रहे हैं कि हमको इतना आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा तो वो जो फ़ाइन है वो ये है कि जितना यूएस के कस्टमर ने जितना ट्रेडिंग एक्टिविटी की है जितना उन्होंने अल्टीमेटली वॉल्यूम आपको दिया है लाइक पिछले कुछ सालों में और वो वॉल्यूम वो कंसिडर कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं था फिर भी आपने अलाउ किया जैसा वो क्लेम कर रहे हैं और उस पर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो वॉल्यूम का सारा जो पैसा है वो आपको एज ए पेनल्टी पे करना पड़ेगा ये अल्टीमेटली है उसके अंदर सैलरीज हो गया लोन्स हो गया कमीशन हो गया सारे कुछ इंक्लूड है तो जो भी आपने रॉन्गफुल एक्शन किया है उस रॉन्गफुल एक्शन में जो पैसा आपने कमाया है वो पैसा हमको वापस चाहिए तो इस टाइप का उन्होंने सीन यहाँ पे बनाया इस टाइप का केस बन रहा है ये फाइन का स्कोप लग रहा है अभी अपन बात करते कि इस टाइप का केस पहले भी कभी बना है क्या तो पहले भी ऐसा केस बना था सी ने बनाया था 2020 में उन्होंने सेम लो सूट बनाया था बिटवेक्स के ऊपर बिटवेक्स एक फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बाइनेंस से पहले बिटवेक्स एक लीडर था बाइनेंस ने फ्यूचर ट्रेडिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो दो में मेनली लॉन्च किए थे उससे पहले बिटवेक्स जो था उसके पास मार्केट शेयर था लाइक सेवेंटी एटी जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती थी वो बिटवेक्स पे होती थी तो बिटवेक्स जब पीक पे था उस टाइम पे वो केस हुआ था 2020 की बात है और लॉ सूट बनाया था उन्होंने भी यही चीज़ बोला था कि वन बिलियन डॉलर के आसपास वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई और यू एस में अलाउ नहीं फिर भी आपके यहाँ पे यू एस के कस्टमर ट्रेड करते हैं डेलीविटी में पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो इसका आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा तो बाद में सेटलमेंट वगैरह हुआ था वो केस बना था डी ओ जी में गया था केस उसके बाद सेटलमेंट हुआ था तो हंड्रेड मिलियन डॉलर का पेनल्टी यहाँ पर उन्होंने पे किया था और उससे फाउंडर ने भी थर्टी मिलियन डॉलर का पे किया था उसके बाद भाई ऐसा हुआ था कि जो उनका फाउंडर था आर्थर हैज़ उसको देश से निकाल दिया गया था कुछ टाइम के लिए तो इस टाइप का सीन भी हुआ था पेनल्टी का क्या है कि वो पेनल्टी ज़्यादा मांग रहे हैं तो फिर बाद में सेटलमेंट होता है डील होती है फिर नेगोशिएशन होता है फिर एक अमाउंट डिसाइड होता है उसके हिसाब से पेनल्टी भरी जाती है बट यहाँ पे पेनल्टी बड़ी होगी मेरे हिसाब से छोटी मोटी पेनल्टी होगी नहीं uh, मेरे हिसाब से लाइक यू नेवर लो वन बिलियन डॉलर की भी हो सकती है तो देखते क्या होता है तो वो तो स्पेकुलेशन है बट कुछ तो होगा तो ये सब सीन है ये मेन केस का जो लाइक like, बेस uh, था यही था और इस पर जो रेस्पॉन्स आया सी का और बाइनेंस का तो अल्टीमेटली तो सी ने तो अल्टीमेटली बोला कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं हम एजुकेशन पर काम कर रहे हैं के कर रहे हैं सब कुछ ही कर रहे हैं फिर एक ऑफिशियल रेस्पॉन्स भी बाइनेंस का आया है उनके चीफ स्टेट जी ऑफिसर ने उसको राइट किया है तो उस पर उन्होंने पूरा बाइडेंस का बैकग्राउंड दिया सीजे के बारे में बताया कि सीजे जे कैनेडा बॉन है फिर उसने एक सॉफ्टवेयर जो सर्विस चालू किया था क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म बना के अपने क्लाइंट को देते थे उसके बाद खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया छः महीने में टॉप के लीडिंग एक्सचेंज बन गए तो फिर यू एस पे उन्होंने अलग से बाइनेंस डॉट यू बनाया सब चीज़ें उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन की अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि हम सब कुछ प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं हमारे पास पाँच लोगों की टीम है जो कम्पलाइंस साइड में काम करती है आठ हज़ार लोग की ओवरऑल हमारे पास स्टाफ है हम 20 कंट्री में कम्पलाइंस फॉलो कर रहे हैं हम हर एक कंट्री में ट्राई करते हैं कम्पलाइंस फॉलो करने की पेरिस दुबई में हमारा हब है और हम काफ़ी अलग अलग कंट्री में हमने ऑफिस सेटअप किए और वहाँ पे हम ट्राई करते गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते रेगुलेटरी इन्वामेंट को फॉलो करते हैं तो काफ़ी क्लीन उन्होंने चिट दी है कि हम अपनी साइड से क्लीन हैं हमने यू के सारे आई को ब्लॉक किया हुआ है यू के की कंट्री को ब्लॉक किया हुआ यू यूएस का कोई कोई भी बंदा हमारा एक, जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेस नहीं कर सकता और बाइनेंस डॉट यू एस और बाइनेंस डॉट कॉम अलग है और आप बाइनेंस डॉट कॉम और बाइनेस डॉट यू एस को मिक्स कर रहे हो वो मत करो तो अल्टीमेटली इस टाइप से उन्होंने पूरा ये चीज़ बताई है और पूरी डिटेल में बैकग्राउंड दिया है डिटेल में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके साथ कंप्लाइंस टीम में जो बंदे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी सब चीज़ें बताई है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी बोला कि हम अभी आपके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे और हम ये जो रिक्वेस्ट भी किया कि आप ये सब देखो कि इस टाइप से आपने सब कुछ फॉलो किया है और जो आप एलिगेशन लगा रहे हो जो आप लॉ सूट बना रहे हो वो सही नहीं है तो इस टाइप से ये पूरा रेस्पॉन्स आया है और मेरे हिसाब से ठीक रेस्पॉन्स है कोई गलत नहीं है उनके साइड से रेस्पॉन्स आना जरूरी भी था और रेस्पॉस अच्छा ही आया है अल्टीमेटली मेरे हिसाब से मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये केस तो बनेगा केस तो बनी गया वैसे डी ओ जे में भी जाएगा केस आगे लाइक कोर्ट हियरिंग भी होगी कोर्ट सेशन भी हो पेनल्टी बनेगी इस पर पे, और पेनल्टी Uh, हो सकता है बड़ी बनाए बट सेटलमेंट हो जाएगा जैसे बिटवैक्स का जो केस था ना वैसे ही केस बनेगा मेरे हिसाब से और उस पर सेटलमेंट भी बिटवैक्स पे उस टाइम पे 100 मिलियन डॉलर के आसपास हुआ था बिटवैक्स और बाइनेंस की साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है लाइक बिटवैक्स उस टाइम इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अभी बाइनेंस है तो यहाँ पे थोड़ा साइज अमाउंट बड़ा हो सकता है पेनल्टी का अमाउंट फाइव मिलियन डॉलर भी हो सकता है वन बिलियन भी हो सकता है सो वो होगा वो सेटल हो जाएगा आई थिंक पेनल्टी बनने के बाद ये केस निपट जाएगा अभी के लिए थोड़ा सा पैरिक वैसे हुआ है क्योंकि कई सारे लोगों ने पैसा भी वहाँ से निकाला है बाइनेंस से जैसे आप देख देख पा रहे हो कि बाइनेंस से 850 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है बाइनेंस से 850 मिलियन डॉलर ऑलरेडी लोगों ने निकाल दिया है ये न्यूज़ आने के बाद और बारह घंटे के अंदर तो अब उसके बाद तो और भी हुआ होगा वन बिलियन के ऊपर अभी चला गया होगा तो इस टाइप का सीन हुआ है और कई सारी चीज़ें हो रही है लोग मीम बना रहे हैं नाश डेली का मीम बना रहे हैं नाश डेली पे आया था पहले सैम उसके आने के बाद फिर सैम का बंटाधार हो गया अभी सीजे भी लास्ट महीने आया था नाश डेली के शो पे और उसके बाद इसका भी बंटाधार होने की तैयारी चल रही है तो इस टाइप से सीन चल रहा है और बाकी तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट ने ऐसा कोई नेगेटिव इतना ज़्यादा नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है प्राइस थोड़ी ड्रॉप हुई है बिटकॉइन की बट इतनी भी नहीं हुई मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा फ़र्क मेरे को नहीं लगता इसकी वजह से पड़ेगा और आगे देखते क्या होता है बट अल्टीमेटली अभी जो बाइनेंस वैसे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से के साइड सी इवन अभी आप खुद भी यूज़ कर रहे हो तो आपको डिफरेंस पता चलता होगा कि पहले किस टाइप से सीन होता था अभी कित किस टाइप से सीन होता है अभी वो कितना ज़्यादा डिटेल मांगते हैं राइट ए e मेल काफ़ी कुछ आपको करना पड़ता है बार बार अपडेट भी करना पड़ता है तो लाइक कंपलाइंस तो काफ़ी फॉलो कर रहे हैं अभी लाइक like, पहले नहीं करते थे वो काफ़ी क्लियर है like, पहले जैसे 2018-19 की बात करते तो उस टाइम नहीं होता था इतना तक कंप्लाइंस फॉलो यूएस में अलाउ था उस टाइम यूएस में नो के होती थी यू बाइनेंस डोट यू तो बाद में भरा बट एक साल तक बाइनेंस जो है यू में ऑपरेट करता था लोग के नहीं करते थे और वहाँ पर ट्रेडिंग करते थे और जब ऐसा इन्वामेंट होता है तो हर टाइप के काम होते हैं लोग गलत काम भी करते हैं सही काम भी करते हैं राइट तो उस चीज़ पर मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है बाकायदा टेरिस फंडिंग भी हुई होगी सब कुछ ही हुआ है बाइनेंस पे अकेले नहीं हुआ सब एक्सचेंज पे हुआ जो नो no के को फॉलो करते थे जहाँ पे नो no के वाई सी वहाँ पे लोग जाते हैं वहां पर क्रिमिनल सबसे पहले जाता है तो वो गलती उनसे हुई होगी उस टाइम पे और उसकी पुराने जो चावल है वो अभी पक गए ऐसा सीन है और अल्टीमेटली अभी उनको थोड़ा फेस करना पड़ रहा है और आगे जाके आई थिंक थोड़ा सही हो जाएगा बट बायस इज़ समथिंग लाइक कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यू एस में हो सकता है कि ऑपरेशन उनका पूरा ही बंद हो जाए इसके अलावा आई डोंट थिंक जो मेजर इम्पेक्ट उन पर पड़ने वाला है सो so, ये मेरा व्यू है इस पर्टिकुलर न्यूज़ uh, के बारे में एंड आई होप आपको ये कवरेज अच्छी लगी हो आई होप आपको इनसाइट अच्छी लगी हो शू लाइक दिस वीडियो दैन मेक श्योर यू हट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा आपके क्या थाट्स है आप बता सकते हो मिलते दें वीडियो जल्दी थैंक यू